सो हेलो ऑसम पीपल, दिस इज श्रेयांश पाल, एके द 90s गाय। आज फिर हम लोग आ चुके हैं एक नई कस्टम रोम के अपडेट के साथ, जो कि गेमिंग के लिए आपको मैक्सिमम फोकस देगी। बैटरी बैकअप भी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, लगभग आपको 5 से 6 घंटे, उससे ज़्यादा आपको अगर आप एज अ बैटरी बैकअप रोम ढूंढ रहे हो। और गेमिंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी आपको गेमिंग वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगी, इवन दो हीट भी आपको उतना डिवाइस में नहीं देखने को मिलेगा। तो इसी कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँगा और कैसी क्या चीज़ें रहेंगी इस रूम में, तो ज्यादा ना टाइम वेस्ट करते चले शुरू करते हैं। सो एज यूजुअल हम लोग चलेंगे फोन के अबाउट सेक्शन में, जहां पे मैं आपको जाकर दिखाऊंगा कि ये हम लोग का जो रोम है वो है सी एंड्रॉइड का लेटेस्ट बिल्ड। हम लोग को 10.2 देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस है, फरवरी का सिक्योरिटी पैच है। कर्नल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, आप अगर नोटिस कर पा रहे होगे सैड कर्नल है, सैड एंजल कर्नल है यहाँ पे हम लोग को देखने मिलती है, जो कि आप स्ट्रीम 288 के ऊपर बेस्ड है। होम स्क्रीन पे आओ तो लॉन्चर हम लोग को, मतलब ये लेटेस्ट वाला है इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ऑरा कस्टम मतलब आइकन पैक यूज़ किए हैं, आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ लॉन्चर हम लोग को सी एंड्रॉइड होम लॉन्चर देखने को मिल जाता है। यहाँ हम लोग को अगर कैमरे की बात करें, MIUI का कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम परफेक्टली मुझे यहाँ पे वर्किंग देखने को मिला है। इसमें मुझे किसी तरीके की कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिली है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वीडियो की, तो वीडियो में हम लोग को 4K 60 FPS तक की देखने को मिल जाता है, जो कि एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिलता है। यहीं पर ही अगर मैं सेटिंग पे आऊँ वापस से, तो सेटिंग में हम लोग को यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा 5GB एकदम परफेक्टली वर्किंग है। जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगी कि 5G यहाँ पे मेरा नेटवर्क एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। मैंने डिवाइस को कल चार्ज किया था और मैंने जितने भी अपने मतलब बेंचमार्क हो चाहे गेमिंग हो, सारे के सारे मैंने यहाँ पे थर्मल प्रोफाइल्स पे ऐड कर दिया था। एनिमेशन आप सारी चीज़ें देख पा रहे होगे, बैटरी का स्टैक आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि यहाँ पे मुझे स्टैक जो है वो एक मिनिमम लेवल का, मतलब ठीक ठाक लेवल का मुझे देखने को मिला है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसके एक्टिव ड्रेन की, तो मुझे 12.35 देखने को मिला है, लेकिन आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होगे धीरे धीरे ये कम हो रहा है। तो जब मैं गेमिंग करता हूँ तब यहाँ पे मेरा 14 से 15% पर आर चला जाता है। आइडल ड्रेन जो मेरा है वो 0.75 है। डीप स्लीप मेरा आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि 11.50 मिनट्स मुझे देखने को मिला है, और मेरा स्क्रीन ऑफ 12.12 मिनट्स है। दैट मीन्स कि डीप स्लीप, मतलब हमारे डीप स्लीप को अडॉप्ट करने में ज़्यादा कुछ टाइम इसको लगता नहीं है। यहीं पर ही हम लोग का जो डायलर है वो हम लोग को वही ASP वाला देखने को मिल जाता है, आपको यहाँ पे गूगल डायलर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। डिस्प्ले की अगर मैं बात करूँ तो डिस्प्ले पे भी हम लोग को वही सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 60 और 120 सारी चीज़ें देखने मिल जाते हैं, पर ऐप रिफ्रेश रेट है। यहीं पर ही अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी की, तो फेस अनलॉक एकदम परफेक्टली वर्किंग है, फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट भी एकदम परफेक्टली वर्किंग है। इस रूम में कस्टमाइजेशन आपको कूट कूट के भरी हुई देखने को मिलती है, मतलब लिटरली आप जो भी कस्टमाइजेशन अभी तक की मैंने बहुत शुरुआत से मैंने कस्टमाइजेशन CR Droid की देखी है, उसी CR Droid से बहुत सारी कस्टम रोम्स ने अडॉप्ट भी की हैं कस्टम रोम्स को लेके। यहाँ पे आपको हायर रिफ्रेश रेट, अनलिमिटेड गूगल फोटोज, नेटफ्लिक्स का स्मूथ और भी बहुत सारी चीज़ें आप चाहो यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पे कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे सिस्टम का अपडेटर आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे और कुछ ज़्यादा नहीं है, इस रोम में मुझे कोई बग देखने को नहीं मिला है पहली चीज़, क्योंकि ऑफिशियल बिल्ड्स हम लोग को देखने को मिलता है CR Droid की, थैंक्स टू ऑल द डेवलपर्स जो इतना स्टेबल और इतना स्मूथ हम लोग को अपडेट्स देते हुए अभी तक ही आ रहे हैं। और अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ एंटूटू बेंचमार्क की, मतलब बेंचमार्क जो हैं वो लिटरली मुझे काफ़ी ज़्यादा हैरान किए हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एंटूटू की, तो एंटूटू का स्कोर हम लोग को लगभग 9 लाख के आसपास देखने को मिला है, मतलब 8,93,648, जो कि भाई आउटस्टैंडिंग है 870 प्रोसेसर के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आप टेम्परेचर देख पा रहे होगे 24.7°C से 33.2°C तक की हम लोग का इंक्रीज हुआ था, जो कि 8.5°C है। 2% बैटरी ड्रेन देखने को मिला, जो कि मतलब मेरे केसेस में ऐसा हुआ है मैक्सिममली 5% बैटरी ड्रेन तो मुझे देखने को मिला ही मिला है हर एक, मतलब हर एक टेस्टिंग में, हर एक रूम में, ऑलमोस्ट हर एक रूम में। और यहाँ पे हम लोग को स्टोरेज टेस्ट जो देखने को मिला है वो 42,852 है, मतलब 43,000 लगभग आपको देखने को मिल जाता है। यहीं पर अगर मैं बात करूँ इसके गीगबेंच के स्कोर की, तो सिंगल में हम लोग को 1141 है, मल्टी में 3308 देखने को मिल जाता है।
ये पर ही अगर मैं सीपीयू टॉरल की बात करूँ तो सीपीयू टॉरल का रिजल्ट जो है मैक्सिमम जीएफएस 334,000 है और एवरेज में 313 है, मिनिमम में 268,000 है। जहाँ पे मेरे फ़ोन में कॉल भी आई थी एक दो बार तो उसकी वजह से हम लोग को ये रिजल्ट देखने को मिला है। सीपीयू टॉरल का हम लोग का मैक्स ऑफ परफॉर्मेंस 90% है और सीपीयू क्लॉक स्पीड 3.18 GHz पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सेफ्टी नेट की, तो सेफ्टी नेट हम लोग को बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक रोन को एज अ डेली ड्राइवर बनाने में हम लोग को मदद करती है। यहाँ पे DRM इन्फो की बात करें तो Wideband L1, दैट मीन्स कि नेटफ्लिक्स एंड ऑल आप HDR कंटेंट्स कंज्यूम कर सकते हो सारी चीज़ों पे। यहाँ पे और कोई चीज़ नहीं है। Kernel SU की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो Kernel SU भी यहाँ पे मुझे एकदम परफेक्टली वर्किंग देखने को मिल जाता है। आप चाहो मॉड्यूल्स या कोई भी चीज़ें आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तक ही कोई भी मॉड्यूल इसमें इंस्टॉल नहीं किया। जैसे आप देख पा रहे होगे बाय डिफ़ॉल्ट भी मुझे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है कि आप मतलब मैंने एक स्ट्रीमर हैं मतलब जो अभी चैनल ग्रो ही कर रहे हैं उनके भी मतलब लगभग 1.5 या 2,000 सब्सक्राइबर्स हैं। इस प्लेयर है उनके साथ मैंने कल गेम प्ले किया था इसी कॉम्बिनेशन के साथ और मुझे इतना ज़्यादा लैग और वो सेटअप देखने को नहीं मिला था। तो अभी तक कि मैंने गेम टेस्ट आउट नहीं किया है, लेकिन आपको अभी आके गेम देखने को मिल जाएगा। और अगर मैक्सिमम पॉसिबल हो पाए तो लाइव स्ट्रीम मैं आज शाम को करूँगा उन्हीं के साथ, तो आप वो भी आके देख सकते हो अगर आपकी मर्जी हो तो। अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। यार देखो मुझे बैटरी बैकअप बहुत तगड़ा लेवल का एक रोम में एक्चुअल में चाहिए। क्या होता है कुछ की पॉइंट्स मैं बता दूँ। बेसिक चीज़ कि मुझे वो एज अ डेली ड्राइवर होनी चाहिए कि इंसान को मतलब उस तरीके का बैटरी बैकअप मिलना चाहिए, उसको बैंकिंग और सारी चीज़ें यूज़ करनी होनी चाहिए वो भी है, नेटफ्लिक्स ये सारी चीज़ें आप HDR कंटेंट कंज्यूम कर पाओ वो भी होनी चाहिए। अगर परफॉर्मेंस आपको मिलती है बहुत अच्छी वो प्लस पॉइंट है जो कि इसमें पहले से ही है, और रोम स्मूथ है, कोई स्टटर नहीं है, कोई लैग नहीं है, बल्कि आपको हर महीने आपको इस रोम का अपडेट भी देखने को मिल जाता है, ऑफिशियल बिल्ड है जाने पहचाने डेवलपर के साइड से, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर आपको अभी तक की कोई और मतलब कस्टम रोम का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसको जाके इंस्टॉल कीजिए और बहुत इजी है, सिंपल से आपको फ्रेमवेयर इंस्टॉल करना है 14.0.11, फिर आपको CRDroid रोम इंस्टॉल करनी है, फिर आपको कर्नल इंस्टॉल करनी है और अपने सिस्टम को फॉर्मेट करके आपको रिबूट कर देना है, आपकी CRDroid आपकी इंस्टॉल हो जाएगी। ये वनेला आपके साथ आती है, वनेला मतलब इन द सेंस जी एप्स नहीं होता, तो जी एप्स की आपको जे फाइल अलग से इंस्टॉल करनी पड़ेगी, तो आपका इंस्टॉलेशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो ये कुछ मेरा कंक्लूजन है इस रोम के ऊपर और मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। मैं आज रात में इसीलिए इसको मैं फ्लैश करके दूसरे रोम में नहीं जाऊँगा, क्योंकि आज रात में मैं उन्हीं के साथ लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ इस लॉबी में। तो देखते हैं कैसी क्या हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। बाकी आप अभी गेम प्ले देख लीजिए, मैं इसको रिकॉर्ड करने की अभी कोशिश करता हूँ। अगर कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं किया कॉल एंड ऑल करके, तो हम लोग को यहाँ पे काफ़ी अच्छे FPS देखने को मिलेंगे। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।